हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं फिर से वापस आई हूँ रक्षाबंधन की एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके, बेसन लड्डू, जो मेरी और मेरे बच्चों की तो बहुत फेवरेट है और सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा बेसन हो तो अच्छा रहता है। मैंने इस मेज़रमेंट से 1.5 कप बेसन लिया है। मेरा बेसन थोड़ा सा मोटा है और मैंने घी लिया है 1/3 कप। बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम इसमें, और उससे ही बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के रेडी होंगे। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जैसे ही मेल्ट होता है, हम इसमें अपना बेसन, मैंने 400 ग्राम बेसन लिया है, तो उसको हम रोस्ट करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। स्लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है। ये थोड़ा स्टार्ट हो गया है, अभी हम थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। और जब ये, इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, वो ऐड कर देंगे। अभी ये पूरी तरह से रोस्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये इसी के साथ रोस्ट हो जाएंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारे ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाए और अच्छे से हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हमारा बेसन हो चुका है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे, इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे हम। इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं हम, और इतना ठंडा करेंगे कि हम हाथ से टच कर सकें। और मैंने यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर शुगर लिया है। शुगर का यूज़ भी हम इसमें कम ही कर रहे हैं, इतने में परफेक्ट बेसन के लड्डू बन के रेडी होते हैं। सो हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए, अभी हम लड्डू बनाने के लिए ये रेडी है। इसके ऐसे ऐसे बना के हम लड्डू सारे रेडी कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर कुछ ये नट्स काट के रखे हैं, आलमंड्स हैं, उसमें ऐसे ही सबको लगा देंगे, अच्छे से डेकोरेट कर देंगे जिससे मार्केट की तरह बन के रेडी हों। देखिए, बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। सो इस रक्षाबंधन आप अपने हाथों से बनी हुई मिठाई ही अपने भाई को खिलाएं। ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर दिए, कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। सो ये मेरी लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air.